दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे जिस्म का हर पार्ट दिमाग के इशारों पर चलता है। हमारे जिस्म के सभी फंक्शन को दिमाग ही कंट्रोल करता है। जिस तरह बिना सीपीयू के कंप्यूटर कोई वर्क नहीं कर पाता है, उसी तरह हमारा जिस्म भी दिमाग के बिना किसी काम का नहीं है। दिमाग के बाद दिल हमारे जिस्म का सबसे अहम हिस्सा होता है, जो हमारे पूरे जिस्म में खून सप्लाई करता है। दिल खून में मौजूद ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को हमारे जिस्म में भेजता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। औसतन इंसान का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और इंसान की पूरी जिंदगी में 2.5 अरब बार धड़कता है। दिल 1 मिनट में 70 मिलीलीटर खून पंप करता है। एक दिन में 7600 लीटर या फिर पूरी जिंदगी में 200 मिलियन लीटर खून को पंप करता है। लेकिन क्या आपको पता है, दिल के अंदर उसका अपना भी एक दिमाग होता है। आपको ये बात अजीब लग रही होगी, तो चलिए फिर आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिल में छुपे उसी दिमाग के बारे में। एंड्रयू आर्मर ऑफ द UCLA न्यूरोकार्डियोलॉजी रिसर्च सेंटर ने एक खोज में पाया कि हमारे दिल में भी न्यूरॉन का कलेक्शन होता है, जो एक छोटे और जटिल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं। इस नर्वस सिस्टम में लगभग 40,000 न्यूरॉन होते हैं, जिन्हें सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। इसी बात को पुख्ता करने के लिए फिलाडेल्फिया में स्थित थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट जेम्स शोबर और उनकी टीम ने चूहों के दिल का अध्ययन किया। इसके बाद दिल की नाइफ एज स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी इमेज लेकर उसके द्वारा दिल का 3D नक्शा बनाया, जिससे यह बात सामने आई कि दिल के अंदर उसका अपना एक छोटा सा दिमाग होता है। दिल के अंदर मौजूद इस दिमाग को इंट्राकार्डियक नर्वस सिस्टम कहते हैं। दिल की संचार व्यवस्था को सही तरीके से चलाने में इसी नर्वस सिस्टम का योगदान रहता है। यानी ये जो कहता है दिल वही करता है। यह नर्वस सिस्टम दिल को फिट रखता है ताकि वह सही से काम कर सके। कब कितना खून सप्लाई करना है, यह सब दिल को बताता है। इसी दिमाग की वजह से दिल कई बीमारियों से बचा रहता है। दिल और दिमाग के न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्शन बनाते हैं, और जब हमें कोई खतरा महसूस होता है तो दिल तेजी से धड़कने लगता है और हमें सही और गलत का आभास कराता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी इंसान का दिल ट्रांसप्लांट होने के बाद उसके बिहेवियर में चेंजेस आ गए। ऐसा ही एक इंसिडेंट साल 1988 में हुआ, जब एक प्रोफेशनल डांसर सिल्विया का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, जिसके बाद सिल्विया खुद में बदलाव महसूस करने लगी। उसका मन फ्राइड चिकन और बियर आदि खाने को करता था, जो उसे कभी पसंद नहीं था। उसकी चाल लड़कों जैसी हो गई थी। जब उसने पता किया तो उसने पाया जो दिल उसको ट्रांसप्लांट किया गया है वो एक 18 साल के लड़के का है, जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस लड़के को ये सब चीजें बहुत पसंद थी। दोस्तों, दिल और दिमाग का एक अनोखा कनेक्शन होता है, जिसको समझ पाना शायद हमारे लिए अभी मुमकिन नहीं है। इन बातों को तो ऊपर वाला ही बेहतर तरीके से जानता है।